बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स व्यूअर्स, आप एक नाम सैयद साजिद के साथ उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज हम मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन करते हैं। द डिमांड फॉर गुड्स प्रोड्यूस बाय एन इंडस्ट्री इज गिवन बाय द इक्वेशन पी की पावर 2 प्लस क्यू की पावर 2 इज इक्वल टू 169, वेयर पी इज द प्राइस एंड क्यू इज दी क्वान्टिटी डिमांड। द सप्लाई इज गिवन बाय पी इज इक्वल टू क्यू प्लस 7। इस क्वेश्चन में प्राइस को फाइंड करना है और क्वान्टिटी को फाइंड करना है। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 बनाते हैं। पी की पावर 2 प्लस क्यू की पावर 2 इज इक्वल टू 169। इक्वेशन नंबर 1 है, पी इज इक्वल टू क्यू प्लस 7 इक्वेशन नंबर 2 है। अब हम प्राइस की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं। पहले इक्वेशन नंबर 1 लिखते हैं, पी की पावर 2 प्लस क्यू की पावर 2 इज इक्वल टू 169। पी की जगह पी की वैल्यू को पुट कर देते हैं, क्यू प्लस 7 होल का मुरब्बा प्लस क्यू की पावर 2 इज इक्वल टू 169। अब हम क्या करते हैं, मुरब्बे को खोलते हैं। पहले रकम का मुरब्बा क्यू का मुरब्बा प्लस दूसरी रकम का मुरब्बा 7 का मुरब्बा प्लस दो कुलिया वाला। पहली रकम हमारे पास क्यू है, दूसरी रकम 7 प्लस क्यू की स्क्वेयर इज इक्वल टू 169। क्यू का स्क्वेयर लेते हैं तो क्यू का स्क्वेयर आता है प्लस 7 का मुरब्बा लेते हैं तो हमारे पास 59 आता है प्लस 2 को क्यू से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2Q आता है, 2Q को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 14Q आता है प्लस क्यू का मुरब्बा यानी क्यू की पावर 2 इज इक्वल टू 169। अब हम मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, ये क्यू की पावर 2 है, ये क्यू की पावर 2 है, इन दोनों को जमा करते हैं तो हमारे पास आता है 2Q की पावर 2 प्लस 14Q प्लस 49। 169 को उठा के बराबर के दूसरी तरफ लेके आते हैं, ये प्लस का है, जब बराबर के दूसरी तरफ आता है तो साइन तब्दील हो जाता है माइनस का, 169 इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, 2Q की पावर 2 प्लस 14Q माइनस का हमारे पास 169 है और प्लस का 49 है, माइनस के 169 में से प्लस के 49 को लेस करते हैं तो माइनस का आता है 120 इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, इस इक्वेशन को मज़ीद सिंप्लीफाई करने के लिए 2 पे डिवाइड करते हैं बोथ साइड, डिवाइडेड बाय बोथ साइड, ये 2 से 2 कट जाएगा तो क्यू की पावर 2 आता है प्लस 2 को 14 को 2 पे डिवाइड करते हैं तो 7 आता है 7Q, 120 को 2 पे डिवाइड करते हैं तो माइनस का आता है 60 इज इक्वल टू 0। ये जो हमारे पास इक्वेशन है यानी क्यू की पावर 2 प्लस 7Q माइनस का 60 इज इक्वल टू 0, इसे हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेट इक्वेशन। इस क्वेश्चन को हम दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, बाय फार्मूला मेथड, बाय फैक्टराइजेशन मेथड। इस क्वेश्चन को हम फार्मूले की मदद से सॉल्व करते हैं। फार्मूला लिखते हैं, एक्स इज इक्वल टू नफ़ी बी जमा नफ़ी बी का स्क्वायर माइनस 4AC बट्टे 2A, ये ऊपर क्या आएगा, नज़र आएगा। अब हम सपोज़ करते हैं क्यू की पावर 2 का जो कोफिशेंट है यहाँ पे 1 है, वो हमारा A है, A बराबर है 1 के और क्यू का कोफिशेंट क्या है, 7, तो 7 बराबर है यानी B बराबर है 7 के, ये हमारे पास माइनस का 60 है, ये C बराबर है माइनस के 60 के। अब हम ए बी सी की वैल्यू को फार्मूले के अंदर पुट कर देते हैं
हम लोगों ने क्वांटिटी को फाइंड करना है, तो एक्स की जगह क्यू लिखेंगे। क्यू इज इक्वल टू माइनस बी की जगह सेवन को पुट कर देते हैं, सेवन जमा नफी बी का स्क्वायर, तो बी की जगह सेवन को पुट कर देते हैं, सेवन का स्क्वायर माइनस फोर, ए की जगह वन को पुट कर देते हैं वन, सी की जगह माइनस के सिक्सटी को पुट कर देते हैं माइनस का सिक्सटी का जजर बटे टू, ए ए की जगह वन को पुट कर देते हैं वन। क्यू इज इक्वल टू माइनस का सेवन जमा नफी, सेवन का स्क्वायर लेते हैं फोर्टी नाइन आता है, माइनस के फोर को वन से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस का फोर आता है, माइनस के फोर को माइनस के सिक्सटी से मल्टीप्लाई करते हैं नफी नफी जमा, तो प्लस का आता है हमारे पास दो सौ चालीस का जजर बटे टू को वन से मल्टीप्लाई करते हैं तो टू आता है। क्यू इज इक्वल टू माइनस सेवन जमा नफी फोर्टी नाइन प्लस टू फोर्टी, इन दोनों को जमा करते हैं तो हमारे पास आता है जी दो सौ उनानवे का जजर बटे टू। क्यू इज इक्वल टू माइनस का सेवन जमा नफी, दो सौ उनानवे का जजर लेते हैं तो हमारे पास सेवनटीन आता है सत्रह बटे टू। क्यू इज इक्वल टू माइनस का सेवन जमा नफी, इस जमा नफी का मतलब ये होता है सत्रह को एक दफ़ा माइनस में लिखेंगे और एक दफ़ा जमा में लिखेंगे, माइनस के सत्रह बट्टे टू, नफी का सेवन प्लस के सत्रह बटे टू। क्यू इज इक्वल टू माइनस के सत्रह और माइनस के सेवन, इन दोनों को जमा करते हैं तो माइनस का आता है ट्वेंटी फोर बटे टू, प्लस के सत्रह में से माइनस के सत्रह को लेस करते हैं तो प्लस का आता है टेन बटे टू। क्यू इज इक्वल टू माइनस के ट्वेंटी फोर को टू पे डिवाइड करते हैं तो माइनस का ट्वेल्व आता है, टेन को टू पे डिवाइड करते हैं तो फाइव आता है। देखिए हमारे पास क्वांटिटी के जो आंसर हैं वो दो हैं, माइनस के ट्वेल्व और प्लस के फाइव। इकोनॉमिक्स की टर्म में ना कभी प्राइस नेगेटिव होती है और ना कभी क्वांटिटी नेगेटिव होती है, यानी माइनस के ट्वेल्व को नज़रअंदाज कर देंगे, जो पॉजिटिव क्वांटिटी का आंसर है फाइव उसको हम लेंगे प्राइस को फाइंड करने के लिए। यहाँ पर लिखते हैं क्यू इज इक्वल टू फाइव। देखिए अब हम प्राइस को फाइंड करते हैं, ये जो हमारे पास ये जो दो इक्वेशंस हैं, क्वांटिटी की वैल्यू को इक्वेशन नंबर वन में भी पुट कर सकते हैं, इक्वेशन नंबर टू में भी पुट कर सकते हैं। इक्वेशन नंबर वन में पुट करें या इक्वेशन नंबर टू में पुट करें, जो प्राइस दोनों के जो आंसर हैं वो सेम आने चाहिए। अगर दोनों इक्वेशन के आंसर सेम आते हैं तो इसका मतलब ये है जो हमने क्वांटिटी फाइंड की है वो ठीक है, अदरवाइज़ गलत है। अब हम क्वांटिटी की वैल्यू को इक्वेशन नंबर टू में पुट करते हैं, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर टू है, ये पी इज इक्वल टू क्यू प्लस सेवन, पी इज इक्वल टू क्यू की जगह फाइव को पुट कर देते हैं, फाइव प्लस सेवन पी इज इक्वल टू फाइव प्लस सेवन, तो हमारे पास ट्वेल्व आता है। देखिए इक्वेशन नंबर टू में हमने क्वांटिटी को पुट किया है तो प्राइस ट्वेल्व है, अगर इक्वेशन नंबर वन में क्वांटिटी की वैल्यू पुट करें तो प्राइस ट्वेल्व ही आनी चाहिए। अगर इक्वेशन नंबर वन में क्वांटिटी को वैल्यू को पुट करते हैं प्राइस का आंसर ट्वेल्व आता है, इसका मतलब ये है जो हम लोगों ने क्वांटिटी की वैल्यू फाइंड की है वो ठीक है। व्यूवर्स मैं उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आप लोगों को आसानी से समझ आ जाएगा, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कैंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि आप लोगों को हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।